हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम ई लर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, एफएसएसआई। आपको मैंने पिछले चैप्टर में मार्क्स के विषय में बताया, तो एफएसआई एक मार्क्स है जिसमें फूड रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत 1916 के अंतर्गत लागू की गई, जिसके अंतर्गत कोई भी प्रोडक्ट फैक्ट्री अगर लॉन्च करती तो उस फैक्ट्री में कोई भी चीजें अगर उसके केमिकल समझे पेस्टिसाइड आइटम अगर उसमें कोई भी चीजें मिलाती है मिक्स की जाती है तो उनकी क्या क्वांटिटी होगी, वह हमारे कस्टमर, हमारे सिटीजन, हमारी फैमिली के उस पर क्या प्रभाव होगा। इससे ज्यादा आप मिलाने पर आपकी क्वालिटी खराब होगी, आपके पर्सन के हेल्थ के लिए खराब होगा। तो ऐसी स्टैंडर्ड क्वालिटी को एफएसएसआई के द्वारा मेंटेन की जाती है कि उस राष्ट्र में जो भी फैक्ट्री प्रोडक्शन अगर करती है तो उसकी स्टैंडर्ड की जांच होगी, लाइसेंस होगा, और अगर पाई जाती है तो जैसे इस पर मैगी पे पाई गई तो इस पर पेनाल्टी या बैन भी लगाई जा सकती है। तो 2006 में सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट लागू किया गया, 2008 में एफएसएसआई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑथराइज्ड ऑफ द इंडिया स्टेटरी बॉडी की स्थापना की गई। FSSI की establishment Ministry of Health and Family के अंतर्गत इसे कंट्रोल की जाती है। 2008 रूल रेगुलेशन मेड convict फॉर विथ effect फ्रॉम the 5 अगस्त 2011 FSSI के 22 एक CEO होता है और इसके 22 चेयरपर्सन ऑफ द मेंबर होते हैं। एफएसआई की हेड ऑफिस दिल्ली में पाई गई, दिल्ली में है। अब आपके लिए है एफएसएसआई की लाइसेंस, आपको टू टाइप, स्टेट लेवल पे भी लाइसेंस इशू हो सकती है और नेशनल लेवल पे भी अगर आप प्रोडक्ट बेचते हैं तो नेशनल लेवल पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंस इशू की जाती है। एफएसआई को फूड सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 31 के अंतर्गत रखी गई है। एक्ट 2006 के अंतर्गत यह रजिस्टर्ड लाइसेंस आपको इश्यू के जाएगी। पेनाल्टी, यदि आप उस क्वालिटी और क्वांटिटी जो आपके लिए स्टैंडर्ड निर्धारित की गई है यदि उससे ज्यादा आप मिलाते हैं तो 5 लाख रुपीज तक आपको पेनाल्टी और 6 महीने की जेल हो सकती है। फूड बिजनेस, अगर फूड बिजनेस करते हैं, यदि आपका ईयरली टर्नओवर 12 लाख से बिलो रहती है तो आपके लिए स्मॉल स्केल प्रोडक्शन के रूप में लेगी, जिसमें आपको 100 पर केजी आपका प्रोडक्शन कलेक्शन होता है। मिल्क कलेक्शन करते हैं तो स्मॉल मिल्क आपके लिए 5 लीटर्स तक हो सकती है। अगर आप एनिमल डेयरी वर्क करते हैं तो 2 बिग एनिमल्स बड़े और 10 स्मॉल एनिमल्स हो सकते हैं। रजिस्टर्ड स्टेट एंड सेंट्रल लेवल पे आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ड्यूटी टू एफएसआई, एफएसआई की क्या ड्यूटी है? फर्स्ट है रेगुलेशन एंड रेगुलेट एंड मॉनिटरिंग। जो भी प्रोडक्ट आपका हो रहा है एफएसआई अगर मान्यता दी है तो उसमें जो भी केमिकल्स या जो भी चीजें आप मिलाते हैं वो बेटर क्वालिटी क्वांटिटी जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टैंडर्ड दी गई है उस स्टैंडर्ड से आप अधिक नहीं मिला सकते, क्योंकि उस पर हम भारत में रहने वाले या उसको यूज करने वाले कस्टमर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, लॉन्ग टर्म उनको लॉसेस है, इसके लिए बैन करती है। स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइन, मार्केट की हैबिट नेचुरल चेंज होती है तो स्पेशल एंड गाइडलाइन इशू करती है कि आप अपने प्रोडक्ट को हमेशा चेंज करते रहें और R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट तक कर सके। लिमिट यूज, लिमिट के बाहर किसी भी आइटम का उपयोग नहीं कर सकते। मैकेनिज्म ऑफ द गाइडलाइन, हमेशा ऊपर लेवल पे, मिडिल लेवल पे, मार्केटिंग लेवल पे भी गाइडलाइन मिलती है। क्वालिटी को कंट्रोल की जाती है। कंडक्ट ऑफ दी सर्वे, इंटरनल एक्सटर्नल सर्वे करती है कि क्या प्रोडक्ट में क्या कोई प्रॉब्लम है या नहीं। आज आपने फुल वीडियो FSSAI को देखा, थैंक सो मच। आप अपने इस चैनल बीकॉम ई लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।